हेलो गाइस, मैं सुमित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ केटेक ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, मैंने स्टार्ट किया था नया चैनल केटेक ट्यूटोरियल्स। ये मेरा थोड़ा पुराना वर्जन का पुराने चैनल का बैकग्राउंड आ गया है, लेकिन मैं नया बैकग्राउंड आपके सामने जल्दी लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, हमारा चल रहा था एडोब प्रीमियर प्रो, आज से मैं स्टार्ट करना चाह रहा था। इसमें मैं वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ 2018। आप कोई सा भी वर्ज़न यूज़ कर सकते हैं, एडोब की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये एडोब का सॉफ्टवेयर है और एडोब कंपनी इसके वर्जन्स निकालती रहती है। तो दोस्तों, ये अभी स्टार्ट हो रहा है। अब ये जब स्टार्ट होता है तो दोस्तों, हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है जिसमें हम अपना न्यू प्रोजेक्ट ले सकते हैं, या फिर ओपन प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या फिर न्यू टीम प्रोजेक्ट आप कर सकते हो कि किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इस तरीके से आप अपना नया प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन का पहले से ही मैंने एक बना रखा था, लास्ट क्लास का ही मैंने बनाया था। अब इसमें मैं नया प्रोजेक्ट लेने जा रहा हूँ जिसमें आज हम कुछ आगे का देखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि न्यू प्रोजेक्ट हम कैसे लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट में दोस्तों, हम यहाँ पे लेते हैं, सबसे पहले तो हमारा नाम आ जाता है प्रोजेक्ट का, जिस काम के लिए हमें इस प्रोजेक्ट का यूज़ करना है वो मैं डाल देता हूँ। जैसे मैंने कहा प्रोजेक्ट विंडो, मुझे प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर काम करना है। और यहाँ पे आ जाता है लोकेशन। लोकेशन क्या कहता है दोस्तों, कि आप अपनी फाइल कहाँ सेव करना चाहते हैं ये पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है, बाकी के जैसे मेरे प्रीवियस चैनल पे था कि कोरल ड्रॉ में ट्यूटोरियल्स बना रहा था, अब कोरल ड्रॉ की फाइल में सेव एज वगैरह से करता था सेव, बट यहाँ पे हम पहले से ही न्यू प्रोजेक्ट में सेव कर सकते हैं, ताकि आराम से आप कहीं पे भी इसको सेव करके जब मर्जी चाहे खोल सकते हैं। तो पहले ही ये सेव होने का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास। उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसको ब्राउज़ कर सकता हूँ। ब्राउज़ करके मैं जहाँ भी इसका दे सकता हूँ पाथ कि मुझे कहाँ शो करना है इस फाइल को, तो मैं यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट पहले से ही किया हुआ है ई ड्राइव में, वीडियो एडिटिंग वीडियोस में। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं हमारे पास, जनरल सेटिंग्स, स्क्रैच डिस्क एंड इनजेस्ट सेटिंग। इनजेस्ट सेटिंग दोस्तों आपको मैं बाद में बताऊँगा, अभी मैं ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहूँगा आपको। जनरल में हम चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आ जाता है वीडियो रेंडरिंग एंड प्लेबैक का ऑप्शन, जिसमें हम रेंडरर का यूज़ करते हैं। रेंडरर में हमारे पास ज़्यादातर दो ही ऑप्शन आते हैं, मर्करी प्लेबैक इंजन एंड मर्करी प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली। अब दोस्तों, यहाँ पे ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मर्करी प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली होता है, और ये इसलिए आता है क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर ही सब कुछ रेंडर कर रहा होता है। रेंडर का मतलब दोस्तों हमारा होता है, जैसे हम कोई वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो में हम जब भी फाइनल वीडियो को रेंडर करते हैं या फिर फाइनल वीडियो को अप्लाई करते हैं, तो इसमें एक रेंडरिंग होती है, जो प्रोसेस होता है फाइनल वीडियो को बनाने का। अब यहाँ पे दो ऑप्शन इसलिए आ रहे हैं दोस्तों क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास नीचे वाला ही ऑप्शन आता है, लेकिन कई लैपटॉप्स में या डेस्कटॉप्स में ये वाला ऑप्शन भी आ जाता है, मर्करी प्लेबैक इंजन जीपीयू एक्सेलरेशन। ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ग्राफिक कार्ड जब होता है तो ये ऑप्शन ज़रूर होता है। हालांकि मेरे पास ग्राफिक कार्ड नहीं है, बट एनिमेशंस को सपोर्ट करने के लिए मेरे लैपटॉप में ग्राफिक्स लगे हुए हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट इंटेल ने डाल के दिए मुझे। तो ये जो मदरबोर्ड के साथ हमारे पास ग्राफिक्स होते हैं, उससे भी ये ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो प्रीमियर प्रो में ये वाला ऑप्शन आपको एक्टिव मिल जाएगा। तो मैं आपका ये वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है दोस्तों हमारा वीडियो का, कि हम हमारी वीडियो फॉर्मेट कैसी होगी। तो इसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे फीट फ्रेम्स या फिर फ्रेम्स के ऑप्शन में, या फिर हम जाते हैं टाइम कोड में। ज़्यादातर दोस्तों हम टाइम कोड में ही लेते हैं क्योंकि टाइम कोड हमारा होता है घड़ी के हिसाब से, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा प्रोजेक्ट विंडो। जब यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट ले लूँगा, टाइम के हिसाब से हमारी विंडो रन करेगी। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है ऑडियो। ऑडियो का डिस्प्ले फॉर्मेट हम ऑडियो सैम्पल्स ही लेते हैं। इसमें एक और ऑप्शन होता है मिली सेकेंड्स का, वो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सेकेंड्स के भी सेकेंड्स जाके मिली सेकेंड्स होते हैं। इतना ज़्यादा डीपली अगर हम जाएंगे तो हमारा काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम ऑडियो सैंपल्स लेते हैं। ऑडियो सैंपल्स कैसे होते हैं वो भी मैं दोस्तों अभी आपको बताऊंगा आगे इसी वीडियो में।
उसके बाद दोस्तों हमारे पास होता है कैप्चर। कैप्चर क्या होता है दोस्तों कि जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, डिजिटल वीडियोस यानी डीवी और एक आता है हमारा हाई डेफिनेशन वीडियो। हाई डेफिनेशन वीडियो यानी HDV, आजकल जो भी वीडियोस बनती है वो हाई डेफिनेशन की वीडियोस बनती हैं, जो सबसे क्लियर वीडियोस होते हैं। आजकल हर कोई अपने चैनल पे या फिर अपने वीडियोस को सबसे क्लियर दिखाना चाहता है, तो उसके लिए आपको हाई डेफिनेशन वीडियोस का कैप्चर फॉर्मेट यूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास स्क्रैच डिस्क के ऑप्शन आते हैं। स्क्रैच डिस्क के ऑप्शन आपको ये कहते हैं कि आपकी जो फाइल बनेगी उसकी कुछ सब फाइल्स या फिर आपकी जो कुकीज़ वाली फाइल होती हैं या फिर और भी सपोर्टिव फाइल्स होती हैं, वो सेम आपके जहाँ पे भी आपने फाइल को सेव किया है, जैसे मैंने ई ड्राइव में फोल्डर में सेव किया है, तो ये फाइल्स भी आपकी उसी के साथ इंपोर्ट हो जाएंगी या फिर आप कह सकते हो कि बन जाएंगी, जिनकी वजह से आपकी जो पूरी फाइल होगी वो सपोर्ट कर जाएगी किसी भी विंडो में। तो ये मैं चेंज नहीं करता, कैप्चर वीडियो या कैप्चर ऑडियो, वीडियो प्रीव्यूज़ वगैरह आपके पास आ जाते हैं, तो ये मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहूँगा। अदरवाइज़ इसमें एक चीज़ और होती है कि आप अगर अलग अलग फोल्डर्स में ये फाइल्स रखेंगे और मान लीजिए आपको कहीं किसी के सामने अपना ओपन वीडियो या ओपन सॉफ्टवेयर की वीडियोस को आपको प्रेजेंट करना है, तो वो आप प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप एक ही फोल्डर में अगर नहीं रखेंगे अपने प्रोजेक्ट्स की फाइल्स, तो हो सकता है कि आपकी कोई फाइल मिस हो जाए या फिर आप ले जाना भूल जाएं, जिसकी वजह से कोई भी फाइल या कोई भी वीडियो का प्रीव्यू आपको अगर ना मिले तो फिर वो आपका ही नुकसान होगा। इसलिए मैं यही रेकमेंड करूंगा कि इसमें आप कोई चेंजेस ना करें और सेम एज प्रोजेक्ट में सेव होने दें। जो भी आपकी फाइल्स होगी या सब फाइल्स होंगी वो सब आपके प्रोजेक्ट फाइल के फोल्डर में ही सेव हो जाएंगी, ताकि आप जब भी किसी को प्रेजेंट करो तो आप पूरा ही फोल्डर अपने साथ पेन ड्राइव में या फिर हार्ड डिस्क में या जैसे भी कन्वीनियंट हो आप ले जा सकते हो। तो यहाँ पे जनरल सेटिंग्स में कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं अब ओके कर देता हूँ, मैं नया प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। जैसे ही मैं नया प्रोजेक्ट लूँगा यहाँ पे कुछ पैनल्स ओपन हो जाएंगे अभी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये पैनल ओपन हो गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पैनल्स हैं। 6 पैनल्स को आप टुगेदर यूज़ करते हैं तभी आपका वीडियो एडिटिंग या फिर आप कह सकते हो कि वीडियोस पर काम आप कर पाओगे। इसमें सबसे पहले हमारा आता है सोर्स क्लिप, इसी में और भी ऑप्शंस आ जाते हैं, इफेक्ट्स कंट्रोल, ऑडियो क्लिप मिक्सर, मेटा डेटा, इनके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। इसके ऊपर आप देख रहे हैं एक मेन्यू बार टाइप है, बट ये मेन्यू बार टाइप नहीं होती है, इसके कुछ लेआउट्स होते हैं जिसमें आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लर्निंग के लिए यूज़ करना है तो यहाँ पे लर्निंग पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे विंडोज़ के पॉपअप्स या फिर आप पैनल्स कह सकते हैं बदल जाएंगे, यहाँ पे असेंबली तो आपका प्रोजेक्ट विंडो बड़ा हो जाएगा, प्रोग्राम विंडो छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे एडिटिंग में आप जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे पैनल्स आ रहे थे वो आ जाएंगे, कलर्स में आप जाएंगे तो कलर्स के हिसाब से आप अपनी वीडियो एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे ल्यूमेट्री कलर का एक ऑप्शन आ जाता है जिसमें आप कलर्स की एडिटिंग कर पाएंगे वीडियोज़ में। इफ़ेक्ट्स अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे इफ़ेक्ट्स की विंडोज़ भी ओपन हो जाती है, जो हम आगे आने वाले प्रोजेक्ट की इसी वीडियो में देखेंगे। और यहाँ से अगर आप ऑडियो का देखते हैं तो ऑडियो मिक्सर आपका चालू हो जाता है, उसके बाद आपका ग्राफिक्स का आ जाता है जिसमें से आप टेक्स्ट की या फिर कोई मतलब किसी भी वीडियोस में टेक्स्ट के ग्राफिक्स वगैरह आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ से एडिट के बटन पे जाके आप अपना अपना खुद का एडिट कर सकते हैं या फिर ब्राउज से जाके इफ़ेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाती है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में आपको एडोब की लाइब्रेरी मिल जाती है, वो नेट की कमांड है, वो आपको आगे बताऊँगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे रखते हैं एडिटिंग मोड पे, जिसमें आपके ये सारे पैनल्स बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। अगर आपके पास ये पैनल ना हो तो आप विंडोज़ में जाकर भी, वर्क स्पेस में जाकर भी इनको चेंज कर सकते हैं, ऑडियो के हिसाब से, असेंबली के हिसाब से, इफ़ेक्ट्स के हिसाब से, ग्राफिक्स के हिसाब से एंड लाइब्रेरीज के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे कुछ 5 पैनल्स ओपन हो जाते हैं, 5 to 6 पैनल्स। यहाँ प्रोग्राम है, आगे आपको बताऊंगा ये प्रोग्राम पैनल का क्या यूज़ है, टाइमलाइन का क्या यूज़ है। ये हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स आ जाता है, टूल्स कह सकते हैं, यहाँ पे टूल्स होती हैं जिनके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। और यहाँ पे साउंड की
फ्रीक्वेंसी बताता है कि कितनी साउंड की फ्रीक्वेंसी में आप काम कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जो आज का मेन टॉपिक है वो है हमारा प्रोजेक्ट विंडो। प्रोजेक्ट विंडोज़ में आप क्या करते हैं कि अपनी सारी फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस होती हैं, ये सब आप इंपोर्ट कर सकते हैं ताकि आप उनको एडिट करके वर्क कर सकें। प्रीमियर प्रो में काम करने के लिए हमारे पास एक सीक्वेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। सीक्वेंस दोस्तों इसलिए होता है ताकि आप प्रॉपरली जो जिस चीज़ पे एडिट करना चाहते हैं, चाहे आप इमेजेस पे हों चाहे वीडियोस पे हों, तो वो आपको सीक्वेंस हेल्प करता है कि आपको सीक्वेंशली पहले कौन सी चीज़ लगानी है, बाद में कौन सी चीज़ लगानी है। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म आपको देता है सीक्वेंस, ताकि आप अपना काम बिना किसी रुकावट के आराम से कर सकें। तो वो सीक्वेंस हम कहाँ से लेते हैं? हम यहाँ पे सीक्वेंस लेते हैं प्रोजेक्ट विंडोज़ में जाके राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे भी न्यू आइटम में सबसे पहले आ जाता है सीक्वेंस। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे भी आपके पास न्यू आइटम्स में जाके सीक्वेंस का ऑप्शन आ जाता है। और सबसे मेन बात, हम फाइल मेन्यू में जाते हैं, न्यू में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा सीक्वेंस का ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। तो हम यहाँ पे न्यू सीक्वेंस लेते हैं। न्यू सीक्वेंस जब हम लेते हैं तो हमारे पास कुछ आप कह सकते हैं पैनल्स ओपन हो जाते हैं और सीक्वेंस के प्रीसेट्स ओपन हो जाते हैं जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। दोस्तों कई लैपटॉप्स में आप पुराने वर्जन देख लो या नए वर्जन्स भी देख लो, तो उसमें भी आपको ये वाले प्रीसेट्स अवेलेबल हो जाते हैं, और कईयों में नहीं भी होते हैं क्योंकि उनके ग्राफिक कार्ड सपोर्ट नहीं करते हैं या फिर लैपटॉप्स में इतने ग्राफिक्स नहीं होते हैं जो कि इन सब प्रीसेट्स को सपोर्ट कर सकें। इसलिए आपको लैपटॉप में या डेस्कटॉप में अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और खासकर एडोब प्रीमियर प्रो में एडिटिंग कर रहे हैं, तो आपके पास एक ग्राफिक कार्ड होना ज़रूरी है ताकि आप इन सारी प्रीसेट्स को यूज़ कर सकें अपने अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पे अब एक होता है डिजिटल वीडियोज़ होता है या DVNTSC होता है, PAL होता है, सारे एक साथ यूज़ नहीं होते। डिजिटल SLR आपने सुना होगा, कैमरास का होता है फॉर्मेट। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आप किस पर्पस से अपनी वीडियो को बना रहे हो। अगर आप बात करें पुराने आपके जो वर्ज़न होते थे उसमें खाली आपके पास DVPAL या फिर DVNTSC ही होता था। NTSC आपका होता है नेशनल टेलीविज़न सिस्टम कमिटी। तो ये किस लिए यूज़ होते थे? पहले के ज़माने में हमारे पास इतना हाई डेफिनेशन नहीं होता था वीडियोस का जो फॉर्मेट होता था, तो हमारे पास जो ग्लोबल ब्रॉडकास्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हमारे पास जो हमारे नेबर्स कंट्री हैं जैसे पाकिस्तान है या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो उसमें आप PAL का स्टैंडर्ड ब्रॉडकास्ट रेजोल्यूशन यूज़ करते थे। PAL हमारा होता है फेस अल्टरनेटिंग लाइंस, ये ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड है जिसमें फ्रेम रेट आपका होता था 25 फ्रेम पर सेकेंड। अगर आप यहाँ पे मैं इसको चूज़ करूँ और यहाँ पे इसके प्रीसेट्स का स्टैंडर्ड 32K Hz पर यूज़ करूँ, आपको यहाँ पे जनरल सेटिंग्स मिल जाएंगी इसकी, जिसमें आपके पास टाइम बेस अगर आप देखें तो 25 FPS होता है। FPS का मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है फ्रेम पर सेकंड। फ्रेम्स क्या होते हैं? फ्रेम्स जब भी आप कोई वीडियो बनाते हैं या फिर कोई आप अपनी फोटोज़ क्लिक करते हैं, तो कई सारी फोटोज़ आप जब क्लिक करते हैं उनको जब एक साथ रन करवाते हैं, तो यहाँ पे ये फ्रेम पर सेकंड का मतलब होता है कि 1 सेकंड में आपके 25 इमेजेस को ये प्रीसेट रन कर देता है, यानी एक साथ 25 फ्रेम्स या 25 इमेजेस को ये आपको शो कर देता है, और उसके बाद नेक्स्ट सेकंड आपका स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो आप देख सकते हैं 1 सेकंड में भी काफ़ी सारे मिली सेकेंड्स होते हैं या फिर 60 सेकेंड्स का 1 मिनट होता है, बट यहाँ पे अगर आप चेक करें तो 60 सेकेंड्स 1 मिनट में होते हैं। तो 1 मिनट में आपके पास 60 × 25 आप कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो कि मतलब 1 सेकंड में अगर 25 फ्रेम्स ये इमेजेस के दिखाता है, तो यहाँ पे आप 60 सेकंड का अंदाज़ा आप कैलकुलेट करके लगा सकते हो। मैं इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी,
तो यहाँ पे फ्रेम पर सेकंड होता है कि 1 सेकंड में आपके पास 25 फ्रेम पर सेकंड होता है। किसी भी आप इसके प्रीसेट में देख लीजिए, यहाँ पे वाइड स्क्रीन भी अगर आप देख सकते हैं तो अलग अलग पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, मतलब यहाँ पे इनके साइजेस भी अलग अलग हो जाएंगे अगर आप देखें तो। और यहाँ पे अगर आप NTSC का देखें तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्डली मिल जाता है 29.97, या फिर आप कह सकते हो 30 फ्रेम पर सेकेंड आपका नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमेटी में आपका प्रीसेट में स्टैंडर्ड टाइम बेस होता है, यानी 1 सेकेंड में ये 30 फ्रेम्स या 30 इमेजेस को शो कर देगा। अब बात आती है दोस्तों, इसका जो साइज होता है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने आपको शो किया हुआ है यहाँ पे। पाल का होता है 576 पिक्सल्स हाइट में और 720 पिक्सल्स विड्थ में। और अगर आप NTSC की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 480 पिक्सल्स हाइट में और 720 पिक्सल्स आपको मिल जाते हैं विड्थ में। ये हमारा पहले पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, या फिर आप कह सकते हैं कि पाल में और NTSC में स्क्रीन के साइजेस हुआ करते थे जिनकी क्वालिटी थोड़ी सी कम होती थी। और ये बाहर के देशों में, यूरोपियन या नॉर्थ ईस्ट देशों में ज़्यादातर यूज़ होता था। पहले हमारे इंडिया में भी यूज़ होता था, बट हमारे ब्रॉडकास्ट में फिर HD वीडियो का ट्रेंड आया। और यहाँ पे HD वीडियो में हम अगर आप बात करें तो अब दो तरह के ब्रॉडकास्ट के स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक 720 पिक्सल्स का और एक होता है 1080 पिक्सल्स का। तो इसमें जो भी आप देख सकते हैं कि 720 पिक्सल्स अगर आप स्टैंडर्ड देखें तो उसकी हाइट होती थी 720 पिक्सल्स और विड्थ होती है 1280 पिक्सल्स। और अगर आप 1080 पिक्सल्स की बात करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है हाइट 1080 पिक्सल्स और विड्थ आपकी आ जाती है 1920 पिक्सल्स। तो दोस्तों यहाँ पे हम अगर हाई डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे हाई डेफिनेशन में भी आपको मिल जाएगा 1080 पिक्सल्स में, जिसमें आप अगर देखें तो यहाँ पे 1080 पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो होता है और इसकी हाइट हो जाती है 1080 पिक्सल और विड्थ हो जाती है 1920। यहाँ पे अगर आप 30 फ्रेम्स का लेना चाहते हैं 30 फ्रेम्स का ले सकते हैं, 25 फ्रेम्स पर सेकेंड का लेना चाहते हैं। इसमें NTSC और पाल का दोनों का मिक्सचर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेम साइज विड्थ में और हाइट में, ये आपका 1440 है, ये आपका भी 1440 है। ये आप अगर देखें या फिर ये देखें, इसमें फ्रेम पर सेकंड का आपका फ्रेम रेट कम ज़्यादा हो रहा है। और 720 में आप 1280x720 का देख सकते हैं, जिसमें 25 फ्रेम पर सेकंड का आपका ले सकते हो या फिर 30 फ्रेम पर सेकंड का आप ले सकते हैं। तो मैं अभी स्टैंडर्डली ले रहा हूँ 1080 फ्रेम 25 का या 30 फ्रेम्स का, या फिर आप ले सकते हो कोई सा भी फ्रेम्स का, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे अभी 720 पिक्सल्स का ले लेता हूँ 25 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से। तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल्स हैं और यहाँ पे आप सीक्वेंस का नाम दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया वीडियो 1। अब यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे एक नया सीक्वेंस आ जाएगा। और देखिए दोस्तों, अगर जब मैंने यहाँ पे नया सीक्वेंस लिया वीडियो 1 पे, तो टाइमलाइन पे ये सेट हो गया सीक्वेंस। और यहाँ पे प्रोजेक्ट वीडियो में आपके पास उसी साइज़ का एक ब्लैक बॉक्स आ गया है। ये ब्लैक बॉक्स आपका फाइनल वीडियो एडिटिंग के लिए काम आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ और ऑप्शंस भी एक्टिव हो गए जो वीडियो से रिलेटेड होते हैं। वीडियो कैसे हम ला सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। फाइल में जाके आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, Ctrl+I इसकी शॉर्टकट की है, तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे मेरे पास एक वीडियो है, जैसे ये वीडियो है, मैं इसको ओपन करता हूँ। आप सैंपल के लिए कोई भी वीडियो ले सकते हो। जैसे ही आप वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट कर दोगे तो यहाँ पे इसके दो ऑप्शंस आ जाते हैं और यहाँ पे एक कंफर्मिंग फाइल का ऑप्शन आ जाता है जो प्रोसेसिंग दिखा रहा है। जब ये प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है तो आपकी वीडियो यहाँ पे फाइनली अपलोड हो जाती है, या आप कह सकते हो इंपोर्ट हो जाती है, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरी फाइल की वीडियो एंड ऑडियो इंपोर्ट हो जाए।
फिर दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि आपके पास प्रोजेक्ट विंडो में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं अगर इसको यहाँ से बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ। इसका फ्रेम रेट आप देख सकते हो 25 फ्रेम पर सेकेंड का है। मीडियो स्टार्ट 0 से है और इसका मीडिया एंड 2 घंटे 9 मिनट 41 सेकेंड एंड 17 फ्रेम्स का होता है। यहाँ पे टाइम कोड का मैंने आपको बताया था कि टाइम कोड का यूज़ कर रहे हैं हम, तो ये टाइम कोड हमारा होता है मीडिया ड्यूरेशन की। आप अपनी फाइल की ड्यूरेशन पहले से ही देख सकते हैं कि आपकी फाइल की कितनी ड्यूरेशन है, जैसे 2 घंटे 9 मिनट और 41 सेकेंड और 18 फ्रेम। ये लास्ट का जो आपका नंबर होता है ये फ्रेम का होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वीडियो इन पॉइंट या आउट पॉइंट अभी हमने सेट नहीं किया है। जब हम सेट करेंगे तो इन एंड आउट पॉइंट भी हम सेट करेंगे आगे, वीडियो की ड्यूरेशन। और उसके बाद वीडियो का रेजोल्यूशन कितना है, 1280x720 आपका है। और जो भी आपका ऑडियो का रेजोल्यूशन होता है या फिर ऑडियो की पावर होती है वो आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ से। और ये इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट विंडो आ रही है, उसके बाद मीडिया ब्राउज़र आ रहा है, लाइब्रेरी है, इन्फो है। इन्फो भी आपकी मीडिया जो भी आपने फाइल इंपोर्ट की है उसके बारे में जानकारी दे देगा। इफ़ेक्ट्स हमारे पास हैं, मार्कर्स हमारे पास हैं, हिस्ट्री और भी बहुत सारे आपके पैनल्स यहाँ से आप चेक कर सकते हो। जिस पैनल पे आपको डायरेक्टली जाना हो तो यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करके आप जा सकते हो। तो मैं यहाँ से प्रोजेक्ट विंडो में जा रहा हूँ। उसके बाद मीडिया ब्राउज़र आप यहाँ से भी ब्राउज़ करके ला सकते हो कि आपकी कौन सी फाइल आपको लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे देख लिया सारे फोल्डर्स, जितने भी मेरे ई ड्राइव में फोल्डर्स हैं वो सब आपको शो कर देगा। प्रोजेक्ट विंडो में आप आपके पास नई बात आती है, मैं इसको पहले फिर से सेट कर देता हूँ यहाँ पे। अगर आपको आगे पीछे करना है या ऊपर नीचे करना है तो आप कर सकते हो। जैसे आप यहाँ से रिसाइज कर सकते हो किसी भी पैनल का साइज़। और दूसरा आप देख रहे हो कि इस प्रोजेक्ट पैनल सॉरी प्रोग्राम पैनल में आपके सीक्वेंस का साइज़ या वीडियो का साइज़ छोटा हो रहा है, लेकिन जो आपने सीक्वेंस का साइज़ लिया है वही साइज़ इसका रहता है। ये अगर आपका पैनल थोड़ा बड़ा हो जाए तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा तो श्रिंक होगा ही होगा, उसकी आप परवाह ना करें क्योंकि वो साइज़ फिक्स होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट व्यू, जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट में आपको दिखा रहा है फाइल्स। अगर आप आइकन व्यू देखना चाहते हैं तो आइकन व्यू आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो कौन सी है। और यहाँ पे आप खाली देख सकते हो वीडियो का प्रीव्यू कि माउस को खाली ओवर करना है, कोई क्लिक नहीं करना। आप यहाँ से जो माउस आगे बढ़ाओगे तो इसमें जो जो आगे वीडियोस आएंगी वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो कि क्या क्या वीडियो कब आएंगी और कैसे आएंगी, तो वो उसका प्रीव्यू आप देख सकते हो। यहाँ पे ये सीक्वेंस है इसलिए अभी ये ब्लैंक दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जूम होता है जो आपके प्रोजेक्ट विंडो को जूम करके दिखा देगा। यहाँ पे आप इसका साइज़ बढ़ा करके देख सकते हैं, जितना और जूम करना चाहो उतना और जूम कर सकते हो आप। यहाँ पे मैं लिस्ट व्यू ही कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जूम या सॉरी फाइंड का ऑप्शन आता है, जिसमें आप लेबल्स को या फिर आपकी मीडिया टाइप को आप फाइंड कर सकते हो कि उसमें कौन सी चीज़ आपको फाइंड करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास आता है न्यू बिन। आप इन दोनों फाइल्स को या बहुत सारी फाइल्स जैसे आपने बना ली हो यहाँ पे या इंपोर्ट कर ली हो, उन्हें एक फोल्डर में डालने के लिए यूज़ कर सकते हो न्यू बिन का। यहाँ पे एक आपका एक फोल्डर बन के आ जाएगा जिसमें आप देख सकते हो कि मैं प्रोजेक्ट विंडो नाम दे देता हूँ, इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं इन दोनों फाइल्स को इसके ऊपर ले जाके ड्रैग कर देता हूँ। तो ये दोनों जो सीक्वेंस है और फाइल है वो अब इस फोल्डर के अंदर चली गई हैं। अब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ से ये 3 लाइंस आप दिख रही हैं इसको मैं क्लिक करूँगा और क्लोज पैनल कर सकता हूँ और वापस अपने प्रोजेक्ट में आ सकता हूँ। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आगे के ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बताऊँगा। इसमें आप नई आइटम्स ले सकते हो जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे शेयर्ड प्रोजेक्ट, ऑफलाइन फाइल, एडजस्टमेंट लेयर, बार एंड टोन, ब्लैक वीडियो, कैप्शन, कलर मैट, HD बार टोन्स वगैरह, वो आप ले सकते हो। और अगर आपको कोई फाइल डिलीट करनी हो तो आप सेलेक्ट करके इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा प्रोजेक्ट पैनल। इसके आगे हम बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों की जो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बात करेंगे।
अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल्स पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल के टेक ट्यूटोरियल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द आपके डिवाइस पे सबसे पहले आपको मिल जाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।